हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, अगर आपने हरियाणा के फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस, और ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। HSSC की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, लास्ट के 3 से 4 ईयर के। ओके, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सभी क्वेश्चन MCQ में है, इसे अपना प्रैक्टिस सेट लगाकर चलना, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर इस टाइम क्या हुआ है। पहला क्वेश्चन है, फरीदाबाद तथा जींद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो फरीदाबाद तथा जींद जो है यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है यह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हरियाणा में विशेष रूप से कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो कपास आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हरियाणा में सिरसा में। तो सिरसा यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हम हिसार और सिरसा पर जाएंगे। ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला? विजयानंद मासिक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो ये निकाला था आत्माराम जैन ने। ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई? सिरसा जिले की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले की स्थापना हुई थी। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद नामक नगर किसके नाम पर बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया था? तो ये बसाया था फतेह खां के नाम पर। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हरियाणा का वह स्थान जहां मुगलकालीन माटिया का किला स्थित है, तो मटिया का किला कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है पलवल में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर सेवन है, श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1923 में की थी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट है, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? और देखिए, हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट के 3 to 4 ईयर में। क्योंकि आपको पता है अभी हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं एक साथ, तो सभी एग्जाम के लिए नए नए क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डाटा आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आएगा। तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था बलवंत तायल को। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन सा मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा है, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है शेख चिल्ली हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेश में किया जाता है? तो करनाल में लिबर्टी जूतों का निर्यात जो है वह विदेश में भी किया जाता है। ऑप्शन सी अगर चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लिबर्टी जूतों का निर्यात करनाल में बनते हैं और इनका निर्यात जो है विदेशों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियाँ का केंद्र था? तो आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधि कौन सी थी? 1857 में क्रांति हुई थी सबसे पहली, तो उसका केंद्र हरियाणा में सबसे पहले कहाँ बजा था? सबसे पहले हरियाणा में बिगुल बजा था अंबाला में। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र अंबाला था। क्वेश्चन नंबर 12, कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम था? और ये भी क्वेश्चन HSSC में बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपको आना भी चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है।
कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सूरज कौर। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 13, किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोर वर्मन ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया? तो किस काव्य के अनुसार, तो ये काव्य था गौड़वहो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मंडी सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर है? राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। फरीदाबाद में बजरी का उत्पादन में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये राजदूत मोटरसाइकिल थी। एक और है हमारी एटलस साइकिल, तो वो होती है सोनीपत में, आपको पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 15 है। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है, तो विश्व में धान का कटोरा किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बासमती चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, नीलोखेड़ी करनाल साइड। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और करनाल जो है नवीन पद्धति से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और आपको पता है करनाल में दो तीन लड़ाइयां भी लड़ी गई है, तरावड़ी करनाल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR किस जिले में स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 17 है, अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया? तो अकबर ने हरियाणा को कहाँ पर मिलाया था? तो अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में। ऑप्शन सी अगर चूज किया है तो आपका राइट आंसर है। और देखिए वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हुआ है। अगर आपके कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बादशाहपुर गुरुग्राम में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? हरियाणा राज्य का गठन सन 1966 में हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है। और संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो था 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो आर्यवर्षी कुरुओं ने हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया था? तो वो किया था कृषि युग का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 है हमारा क्वेश्चन, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल राइट होगा। 22, झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? तो मथुरा अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? झज्जर से। और यह किस तरह का अखबार है? तो यह है एक उर्दू साप्ताहिक पत्र। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तोमर शासनकालीन की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तोमरों का शासन था हरियाणा में, इस की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यशस्वी कलम चंपू ग्रंथ है, इससे प्राप्त होती है। कई बार रिपीट हो चुका है हरियाणा के एग्जाम में ये क्वेश्चन, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार डिस्कस किया है। 24 है, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो कौन से नेता नहीं थे? चौधरी छोटू राम, ऑप्शन डी, जो कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। 25 है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य तो ये किया जाता है मेवात क्षेत्र में। ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।